अब सरकारी 102 एम्बुलेंस में स्पीड होगी कंट्रोल, सभी 102 एम्बुलेंस में लगाए गए स्पीड गवर्नर प्रभारी अमित यादव ने दी जानकारी। फिरोजाबाद अब सरकारी 102 एम्बुलेंस की रफ्तार में कमी आएगी, जिसका कारण उक्त वाहनों में स्पीड कंट्रोल करने को लेकर स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं, जिसको लेकर 102 प्रभारी अमित यादव ने सरकारी ट्रॉमा पर जानकारी दी। बताया गया अक्स का गर्भवती महिला को ले जाने वाली 102 की स्पीड तेज होने के कारण मरीज को असुविधा रहती थी, जिसको लेकर 102 एम्बुलेंस में यह शिकायत दूर करने को स्पीड गवर्नर लगाए गए। फिरोजाबाद में भी स्पीड गवर्नर सरकारी ट्रॉमा सेंटर के पास 102 एम्बुलेंसों में लगाए गए, जिनको लेकर प्रभारी अमित यादव ने मीडिया को जानकारी दी। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सर अभी कुछ देखा गया था कि एम्बुलेंस में कुछ बदलाव किया गया है, किस तरह का बदलाव किया जा रहा है सर? सभी गाड़ियों को एक तो क्या है कि प्रोटोकॉल ऊपर से आया है कि सभी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, मरीजों को ज़्यादा असुविधा ना हो। जो अनावश्यक एक्सीडेंट हो जाते हैं, ओवर स्पीड चला देते हैं लोग, पायलट वगैरह, उसकी वजह से सब गाड़ियों को स्पीड लॉक गवर्नर से सुरक्षित किया गया। कौन सी एम्बुलेंस में लगाया गया है? 102 की। 102 में महिलाओं को और जच्चा बच्चा को घर लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस। 102।